गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज नया टॉपिक पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म की फॉर्मूला देख लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, या दूसरा फॉर्म में बोल सकते हैं डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के फॉर्म में भी हो सकता है या टी के फॉर्म में भी हो सकता है, फॉर्मूला एज इट इज। और डी थीटा है तो डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, टी है तो डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। ओके, एक्सरसाइज 5.6, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू ए टी रेस टू 4। सबसे पहले एक्स का, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, आपको मालूम है 2 आगे आ जाएगा तो 4 ए टी डी वाई बाई डी टी, इसमें 4 आगे आ जाएगा एक पावर कम हो जाएगा तो 4 ए टी क्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ओके, डी वाई बाई डी टी का आंसर है 4 ए टी क्यू, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी का आंसर है 4 ए टी। 4 ए 4 ए कैंसल, ए टी ए टी क्यूब है कैंसल करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा टी स्क्वेयर। सेकेंड, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, डी एक्स बाई डी टी ए तो कॉन्स्टेंट एज इट इज, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा तो माइनस बी साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, इसका आंसर है बी माइनस बी साइन थीटा अपन में आएगा माइनस ए साइन थीटा, माइनस माइनस कैंसल साइन साइन कैंसल, तो हमारा आंसर आएगा बी अपोन ए। थर्ड नंबर, एक्स इज इक्वल टू 40, वाई इज इक्वल टू 4 बाई टी। ओके, तो डी एक्स बाई डी टी टी का हो जाएगा 1, तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा 4, डी वाई बाई डी टी 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर, ले हो जाएगा माइनस 4 बाई टी स्क्वेयर। सो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 बाई टी स्क्वेयर इंटू 4, एल अपन में 4 आएगा और ऐसी प्रोकल कर दोगे तो 4 हो जाएगा, 4 कैंसल तो माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा, तो ए एज इट इज, थीटा का हो जाएगा 1 और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, थीटा का 1 साइन, जैसे एक्स का 1 होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, जो हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 होगा, वैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू थीटा में करेंगे तो थीटा का हमारा 1 हो जाता है, डी वाई बाई डी थीटा, तो 1 तो हमारा कॉन्स्टेंट है तो कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ए कैंसल, साइन थीटा की फॉर्मूला हम 11th में जो पढ़ चुके वही, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 हमारा कैंसल हो गया, यहाँ पे साइन है यहाँ पे साइन स्क्वायर, एक साइन कैंसल हो जाएगा तो कॉस बाई साइन आगे माइनस की साइन, एट माइनस कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग 10t बाई 2, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। ओके, ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, लॉग 10t बाई 2। अब देखो लॉग 10t बाई 2 का कैसे करें, सबसे पहले लॉग का करना है, उसके बाद 10 और उसके बाद टी बाई 2 का, तो लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एले 1 अपॉन 10t बाई 2 इंटू 10t बाई 2 का sec स्क्वायर टी बाई 2, और टी बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2। तो ए माइनस साइन टी एज इट इज प्लस 10, क्या होता है तो क्या साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर चला गया तो कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2 इंटू sec स्क्वायर टी बाई 2 का हो जाएगा 1 अपॉन cos² t/2 इंटू 1/2, एक कॉस कैंसल हो गया तो 2 sin t/2 cos t/2, एक किसकी फॉर्मूला हुई तो क्या साइन टी की, एलसीएम ले लो साइन टी सामने चला गया तो साइन स्क्वायर टी, यानी साइन स्क्वायर टी को मैंने पीछे लिखा माइनस साइन स्क्वायर टी है और आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, यानी ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ओके, नेक्स्ट
डी वाई बाई डी टी, तो वाई हमारा है ए साइन टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा ए कॉस टी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, एक सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स में सबसे पहले हमारा डी वाई बाई डी टी ए कॉस टी इन टू अपन में आएगा ए कॉस पे टी अपन साइन टी, साइन टी ऊपर चला जाएगा, ए कैंसल, एक कॉस कैंसल हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस हमारा आंसर आ जाएगा 10t. नेक्स्ट सिक्स नंबर, x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा. ओके, सबसे पहले dx बाई डी थीटा, तो a एज इट इज कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और देखो ये दोनों के बीच में uv होगा, तो थीटा एज इट इज साइन का हो गया कॉस, प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का हो जाएगा वन, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या ए थीटा कॉस थीटा एज इट इज, यहाँ पे वही डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन का हो जाएगा कॉस. ओके, अब फिर से दोनों के बीच में यू भी, तो थीटा एज इट इज कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, एले माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस कॉस थीटा एज इट इज थीटा का हो जाएगा वन, कॉस थीटा कैंसल, तो ए थीटा साइन थीटा. ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कैंसल, तो साइन अपॉन कॉस हमारा हो गया 10. क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट टाइम भी समय एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी, हमको प्रूव दैट करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स. सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी एज इट इज ये सबसे पहले रूट का करना है, तो वन अपॉन रूट रूट एक्स का क्या होता है, तो क्या वन अपॉन टू रूट एक्स, तो वन अपॉन टू रूट एक्स ए साइन इनवर्स टी. ओके, अब ए रेस टू एक्स का, तो ए रेस टू एक्स ए रेस टू साइन इनवर्स टी इन टू लॉग ए, अब साइन इनवर्स टी का, तो वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर. देखो आगे मैंने समझा दिया रूट में है रूट में नहीं है, आप यहाँ से कैंसिल करोगे तो ऊपर रूट हो जाएगा, तो ए साइन इनवर्स टी इन टू लॉग ए अपॉन टू वन माइनस टी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी. वैसे डी वाई बाई डी टी सेम ही है, अपन कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स है, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू फिर से वही वन अपॉन टू ए कॉस इनवर्स टी इन टू ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए और कॉस इनवर्स टी का माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर. ये रूट में नहीं है, कैंसिल करोगे तो ऊपर रूट आ जाएगा, आगे माइनस की साइन ए कॉस इनवर्स टी इन टू लॉग ए अपॉन टू वन माइनस टी स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये मैंने डी वाई बाई डी ये मैंने डी वाई बाई डी टी का आंसर रखा अपॉन में डी एक्स बाई डी टी लॉग ए कैंसल टू वन माइनस टू स्क्वायर टू वन माइनस टी स्क्वायर कैंसल, तो ए कॉस इनवर्स टी देखो हमारा क्या था, ए कॉस इनवर्स टी हमारा था वाई और ए साइन इनवर्स टी हमारा था एक्स, तो हमारा फाइनल आंसर देखो आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स. मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें बहुत बार आ चुका है बोर्ड में. ओके, उसके बाद भी जो लास्ट नंबर वाला सम है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब अपॉन कॉस टू टी, वाई इज इक्वल टू कॉस क्यूब अपॉन रूट कॉस टू टी. ओके, सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी आपको मालूम है अपन में ले यू अपॉन वी की फॉर्मूला अप्लाई होगी, तो वी स्क्वायर एले रूट हट जाएगा कॉस टू टी, वी एले कॉस टू टी यू का करना है थ्री साइन स्क्वायर टी, थ्री आगे आ जाएगा और साइन का हो जाएगा कॉस टी माइनस यू एज इट इज साइन क्यूब टी एज इट इज रूट का करना है, तो वन रूट का सबसे पहले होगा टू रूट एक्स एले वन अपॉन टू रूट कॉस टू टी और कॉस टू टी का हो जाएगा माइनस साइन टू टी और टू टी का टू 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 कैंसल. अब एलसीएम ये रूट है रूट सामने चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो रूट हट गया बाकी सब एज इट इज, थ्री को मैंने आगे ले लिया तो थ्री कॉस टू टी साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये प्लस कैसे हुआ, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन क्यूब टी और साइन टू टी की मैंने फॉर्मूला डाल दी टू साइन टी कॉस टी.
और नीचे 3/2, 3/2 कैसे हुआ, तो नीचे ऑलरेडी cos 2t है और ये रूट नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। dy/dt में वही cos 2t, देख लो cos क्यूब t का क्या होगा, तो क्या 3 cos square t, और cos square का हो जाएगा माइनस, अरे cos का हो जाएगा माइनस sin t, माइनस cos क्यूब t है जिट इज रूट का 1/2 cos 2t और -2 sin 2t/cos 2t, आगे जो किया dx/dt वही है। ओके एलसीएम ले लो तो रूट रूट हट जाएगा, तो -3 cos 2t cos square t sin t प्लस cos 2t sin 2t का आंसर 2 sin t cos t, अरे रूट नीचे आ जाएगा फिर से 3/2। ओके अब नेक्स्ट dy/dx, तो dy/dt/dx/dt दोनों में अपॉन में cos 2t 3/2 हमारा कैंसिल हो गया, तो ऐसा आया 2 sin t cos 4t - 3 cos 2t cos square t sin t अपॉन 2 cos t sin 4t प्लस 3 cos 2t sin square t cos t। ठीक है, ऊपर में से कॉमन हमारा मिलेगा sin t cos square t, तो बचा क्या 2 cos square t - 3 cos 2t, नीचे में से कॉमन मिलेगा cos t sin square t, तो 2 sin square t + 3 cos 2t, एक cos कैंसिल हो जाएगा एक sin कैंसिल हो जाएगा, तो cos sin बचा, यहाँ पे cos 2 cos square t - 3। अब देखो cos 2t की मैंने फॉर्मूला डाली cos के फॉर्म में, तो cos के फॉर्म में फॉर्मूला क्या है, तो 2 cos square t - 1, नीचे वही चीज़ की पर cos 2t की फॉर्मूला मैंने sin के फॉर्म में डाली है, तो 1 - 2 sin square t। ओके मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 cos square t 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 = 6 cos square t + 3, ऐसे नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो 3 - 6 sin square t। ओके 2 cos square t - 6 cos square t तो हो जाएगा -4 cos square t, 3 को आगे ले लिया सेम एज इट इज 3 as it is 2 sin square t - 6 sin square t तो हो जाएगा 4 sin square t। cos t को मल्टीप्लाई करो sin t को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3 cos t - 4 cos cube t, यहाँ पे हो जाएगा 3 sin t - 4 sin cube t। एक इसकी फॉर्मूला बनी, तो के cos 3t पर -cos 3t, तो cos 3t में आपको मालूम ये पहले आता है ये लास्ट में आता है, इसमें उल्टा है तो हो जाएगा -cos 3t, नीचे sin 3t, जैसे cos 3θ sin 3θ क्या आपने याद किया, ये पर t के फॉर्म में है तो आपको t के फॉर्म में लिखना है, तो cos 3t sin 3t, तो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर cot 3t। मोस्ट इम्पोर्टेंट समय ख्याल फॉर्मूला ध्यान से एक बार सारी देख लेना। ओके थैंक यू।